न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, जो है यूपी के पीलीभीत जनपद की पूरनपुर तहसील इलाके के महादिया वनकटी जंगल के पास गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक आरोपी को गोली लग गई, तो वहीं घायल तस्कर सहित चार लोग गिरफ्तार किए गए। दरअसल ये पूरा मामला पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां बुधवार देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि गौ तस्कर गौवंश पशु को लेकर जा रहे हैं। तभी पुलिस ने दो टीमें बनाकर गौ तस्करों की घेराबंदी कर दी और इस दौरान तस्करों ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने इस दौरान गौ तस्कर को एक गोली भी लग गई। वहीं इस दौरान पुलिस ने जाविर पुत्र इरफान, इरशाद पुत्र जलील और दिलशाद के बेटे नशीर अहमद निवासी शेरपुल को गिरफ्तार कर लिया है। थाना पूरनपुर में दिनांक 7/9/2023 को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोग एक 2 वर्षीय गौवंशी बछड़े को ले जाकर उसकी कुर्बानी के लिए लेके जाना चाह रहे हैं। इस संबंध में जैसे सूचना मिली, थाना स्तर पर 2 टीमों का निर्माण किया गया। दोनों टीमें संबंधित घटनास्थल जहां पर इसकी तैयारी की जा रही थी वहां पर पहुंची और जैसे पहुंचने के बाद वहां पर पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। झांसी थाना क्षेत्र के ग्राम कायला की एक विक्षिप्त महिला 3 दिन से लापता थी, जिनको खोजने में परिजन जुटे हुए थे। वही आज मवूसा के खेतों के पास बने साठिया कुएं में महिला के शव को देखा गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और महिला के शव को निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन कुएं की गहराई होने से महिला के शव को बाहर नहीं निकाला जा सका। वही इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कुएं से महिला के शव को निकालने से लेकर के उनके हाथ खड़े कर दिए। सूचना मिलते ही मौके पर उप जिलाधिकारी परमानंद सिंह और पुलिस क्षेत्राधिकारी लक्ष्मीकांत गौतम भी मौके पर मौजूद रहे। इसके साथ ही घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल महिला लाड़कुवर पूंछ थाना क्षेत्र के ग्राम कायला की रहने वाली बताई जा रही है। सरकार हजारों लाखों रुपए प्रतिमाह सैलरी देती है, लेकिन उसके बाद भी अयाशी भरे शौक और रईशी भरी जिंदगी जीने के लिए सरकारी मुलाजिम बेईमानी करते हैं, अपनी जेबें भरते हैं। बेईमानी करके उन लोगों को ठगा जाता है जिन पर देश के भविष्य की जिम्मेदारी होती है। अब जब उनसे ही भ्रष्टाचारी की जायजी की जाएगी तो वो कितनी जिम्मेदारी से काम करेंगे, इस पर आप समझ सकते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग की, जहां ऑडिट के नाम पर हर बार रिश्वत ली जाती है। पहले भी हमारे पास शिकायत आई है और हमने शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत भी की थी, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था। इसके बाद हमने इस मामले की तह तक जाने की सोची और हमारे संवाददाता ने कुछ ऐसे शिक्षकों से बातचीत की जो खंड शिक्षा विभाग के लोगों से त्रस्त थे। इसके बाद हमें पता चला कि 26 अगस्त को बामौर और गुरसराय ब्लॉक में ऑडिट होना था। इसके लिए हमारे कुछ लोग तैयार थे जिन्हें भी ऑडिट में शामिल होना था। उन्होंने हिम्मत करके एक छुपे कैमरे से ये वीडियो बना लिया, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक जितेंद्र यादव नाम के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी फाइल के साथ ऑडिट कराने आए हुए थे, जो शिक्षकों से खुलेआम रिश्वत लेकर अपनी जेबें भर रहे थे। देखिए जरा। झांसी के खनन माफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। जी हां, नदी और खदानों को लूटने के बाद अब खनन माफिया सार्वजनिक संपत्ति के लिए भी घातक साबित हो रहे हैं। गरौठा तहसील अंतर्गत ककरबई से गढ़वाई मार्ग पर अवैध खनन के ओवरलोडिंग ट्रकों के कारण रोड पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है। क्षेत्रीय लोग लंबे समय से अवैध खनन पर लगाम लगाने की मांग कर रहे थे, लेकिन खनन विभाग ने, ना ही परिवहन विभाग ने और ना ही पुलिस ने, ना ही स्थानीय प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है। कार्रवाई ना होने से बेखौफ खनन माफिया ओवरलोडिंग कर धड़ल्ले से बालू ढोते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप सड़क का नामो निशान मिट गया। सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे बचे हैं, जिनमें दोपहिया वाहन वाले गिरकर अक्सर चोटिल होते हैं और चार पहिया वाहन का निकलना दुभर हो गया है। सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि कई पुलिया भी ओवरलोड ट्रकों की भीड़ चढ़कर ध्वस्त हो गई है। स्थानीय लोगों की आवाजाही इस साधन को ओवरलोड वाहनों से ध्वस्त कर दिया गया है। अब लोग आवाजाही के लिए इन बेखौफ खनन माफियाओं की वजह से परेशान बैठे हैं और प्रशासन अमला चुप्पी साधे है। कृष्ण जन्माष्टमी पर पुलिस लाइन पौड़ी में बीते देर शाम को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और भजन संध्या का शुभारंभ जिलाधिकारी गढ़वाल आशीष चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम में पुलिस परिजनों और विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं और कीर्तन मंडी द्वारा उनकी मंडली द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक रंगारंग और मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक गजेंद्र राणा और उनकी टीम ने गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी लोक गीतों और लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां दी। सबसे पहले तो मैं सभी जनपदवासियों को जन्मोत्सव की कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज पुलिस परिवार की ओर से बहुत ही भव्य कार्यक्रम पुलिस लाइन ने आयोजित किया था और इसमें स्कूल के बच्चों ने और हमारे सांस्कृतिक विभाग ने और पुलिस परिवार की हमारी बच्चियों ने महिलाओं ने बहुत अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तो इसमें सभी का योगदान है, हमारी पूरी टीम ने लग के इस कार्यक्रम को बहुत ही भव्यता प्रदान की। देखो ये हमारी संस्कृति है और हमारी धर्म है। कृष्ण जन्म हमारे मतलब जब कृष्ण जन्म जब हुआ तो हमारे भगवान के रूप में हुआ और हमारा सनातन धर्म है, इसको मनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और मैं पौड़ी के SSP श्वेता चौबे जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर मुझे आने का भी मौका दिया है। और सच में कहूँ तो मैं पहली बार आई यहाँ पर और बहुत अच्छा लगा। कन्हैया लाल के उद्घोष के साथ मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी की धूम रही। जी हाँ, कृष्ण की नगरी में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बैंड बाजी, ढोल नगाड़े, झांझ मंजीरा की धुन पर कलाकार जमकर नाचे। वहीं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर नगरी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजे, ढोल नगाड़े, झांझ मंजीरा की धुन पर शोभा यात्रा को निकाली गई। वहीं देश के कई प्रांतों के कलाकारों ने प्रस्तुति भी दी। किसी ने शिव का रूप धारण किया था तो कोई राधा कृष्ण के गीतों पर नाच रहा था। दूर दराज से आ रहे श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर अतुल्य नजर आए। अनाधिकृत और अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन की टीम लगातार अभियान चला रही है। इस अभियान के अंतर्गत टीम ने 514 जगहों पर छापा मारा। वही छापामार कार्रवाई करते हुए टीम ने 84 मुकदमे दर्ज कराते हुए 18 लोगों को जेल भेज दिया है। इसके साथ ही झांसी जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देश पर जनपद में 20 अगस्त से 10 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष अभियान की में अब तक 514 विभिन्न स्थानों पर टीम छापा मार चुकी है। छापामार कार्रवाई करते हुए 84 अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं। वही अभियान में 7756 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई। वही 3,200 किलोग्राम लहन को मौके पर नष्ट किया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री और गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के स्थानीय में पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर के इस पारंपरिक और उत्सव धर्मी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री गुरुवार रात लखनऊ से यहां पहुंचे हुए थे। गोरखपुर आने से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पुलिस लाइन में आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह में भी शामिल हुए। इसके साथ ही गोरखनाथ मंदिर पहुंचने पर सबसे पहले उन्होंने गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया और अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अविदयनाथ की समाधि पर मत्था टेक पुष्पांजलि किया। इसके साथ ही मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष में महंत दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया था जिसमें मुख्यमंत्री सम्मिलित हुए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी 2 दिन मनाई गई है। जहां एक ओर देश के कई राज्यों में बुधवार को मनाई गई तो वही कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई गई। वहीं झांसी में जन्माष्टमी के अवसर पर नवाबाद अंतर्गत बुंदेलखंड विश्वविद्यालय चौकी में जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया जिसमें भगवान को भोग लगाते हुए चौकी प्रभारी चंदन पांडे द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया और धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आगरा केंद्रीय कारागार में जन्माष्टमी महोत्सव में कारागार मंत्री पहुंचे। जहां केंद्रीय कारागार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने पूजा अर्चना की। मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बंदियों के द्वारा सजाई गई झांकियों को देखी। इसी के साथ ही इस दौरान बाहरी लोगों को जेल में सजाई गई झांकियों को देखने का भी परमिशन दिया गया। बंदियों ने
बताया जा रहा है कि जन्माष्टमी महोत्सव में भजन कीर्तन भी किया। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बंदियों के साथ बैठकर भजन कीर्तन का आनंद लिया। वही जन्माष्टमी महोत्सव के दौरान केंद्र कारागार को लाइटों से सजाया गया। बस्ती सदर कोतवाली के गांधीनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब चहलुम के जुलूस में क्रेन के आगे लटकी 20 फीट की प्रतीकात्मक तलवार पर प्रशासन की नजर पड़ी। जी हां, प्रशासन ने फौरन क्रेन को रुकवा दिया और नई प्रथा शुरू करने को मना कर दिया, जिसके बाद जुलूस में शामिल लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। काफी देर तक जुलूस को रोककर विरोध प्रदर्शन चलता रहा। वहीं मौके पर जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने पहुंचकर जुलूस में शामिल लोगों से बातचीत शुरू की। वहीं काफी देर के बाद क्रेन से प्रतीकात्मक तलवार को उतार कर पिकअप गाड़ी पर लाद कर वहां से ले जाने की सहमति बनी। आज चेहलुम का जुलूस चल रहा था तो इसमें एक गैर परंपरागत ढंग से एक ट्रेन आ गई थी और ट्रेन का प्रियंशन ये था कि काफ़ी ऊंची थी और बिजली के तार थे, उससे उसमें करंट आने का खतरा था और लोगों की जान भी जा सकती थी। इसके दृष्टिगत प्रशासन और पुलिस ने मिलकर उस ट्रेन को यहाँ सटवा दिया और उस पर एक तलवार लटकी हुई थी प्रतीकात्मक, जिसको वहाँ सटाकर एक छोटे वाहन को रखवा दिया गया। जुलूस बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और किसी प्रकार की कोई समस्या जुलूस में नहीं। जन्माष्टमी के दिन जहां देश भर के मंदिरों में सजावट की गई तो वहीं भगवान कृष्ण की जन्मस्थली कहे जाने वाले कारागार में भी हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। कानपुर जिला कारागार में जन्माष्टमी को लेकर भव्य तैयारियां की गईं। जेल के मुख्य द्वार से लेकर बैरक और अंदर बने मंदिरों में भी भव्य श्रृंगार किया गया। इसी के साथ ही खास बात ये थी कि इस पर्व को जेल में बंद सभी धर्मों के बंदियों ने एक साथ मिलकर मनाने का फैसला लिया। जेल अधीक्षक बीटी पांडे ने बताया कि भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में 12 बजे कारागार में हुआ था, जिसको लेकर जिला कारागार में हर वर्ष इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और श्री कृष्ण जन्मोत्सव का जो ये पर्व है, ये हम लोग यहाँ कारागार पर भी हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। कारागार के अंदर बंदियों द्वारा झांकी तैयार की गई हैं और बंदियों द्वारा जन्मोत्सव मनाया जाएगा और यहाँ बाहर कारागार परिसर में जो मंदिर है, यहाँ हम लोग इस समय इकट्ठा हैं। यहाँ आज स्टाफ द्वारा पूरे मनोयोग के साथ सब तैयारी की जा रही, सजावट की जा रही है। क्योंकि आज जेल अवकाश का दिन है, इसलिए लोग फ्री होकर के, निश्चिंत होकर के थोड़ा सा। वैसे तो रसखान जी को मुस्लिमों में कृष्ण जी का सबसे बड़ा भक्त कहा जाता है। उन्होंने कृष्ण भक्ति में अजय जी कविताएं लिखी हैं, जिनके चलते भगवान कृष्ण का उनको सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। कानपुर में भी एक ऐसा मंदिर है जहां हिंदू मुस्लिम साथ में मिलकर जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं और छठी के दिन मुस्लिम लोगों के द्वारा धूमधाम से कढ़ी चावल का वितरण करते हैं। वही आपको बता दें कि श्री राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना सन 1818 में कानपुर में हुई थी। इसके साथ ही तब से लेकर आज तक हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर इस त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मुस्लिम भक्तों ने बताया कि मंदिर 200 वर्ष पुराना है, अब इस मंदिर का निर्माण हम सभी लोगों के द्वारा और ही भव्य करना है। इसके साथ ही हम सब मिलकर मंदिर का निर्माण भी करवाएंगे। महोबा कोतवाली क्षेत्र के खुजराहो रेलवे ट्रैक पर मामना पुल के पास 25 वर्षीय प्रमोद कुमार नामक युवक ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। जी हां, युवक की मौत से उसके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो वही परिजनों की माने तो मृतक का पिता, जो उनके पता है, वो अच्छे लाल लगभग 6 वर्ष से लापता थे, जिनकी जमीन बांध में चल रही थी। जैसे ही जाने के बाद कानूनी अड़चन के चलते उन्होंने अपनी जमीन का मुआवजा नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से मृतक ने बहन की शादी में 4 लाख खर्च किए थे और वो खर्च 4 लाख रुपए कर्ज लेकर के किए थे, जिससे परेशान होकर उसने ट्रेन से कटकर जान दे दी। तो वही सूचना पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। ये पिताजी 8 साल हो गए भाग गए थे, लापता हैं, उसी के चक्कर में इन्हें आत्महत्या कर ली। क्या कारण, क्या कुछ? ये कि उस पैसा मिला नहीं, लड़की की बहन की शादी की है, कर्जा हो गया, उसके चक्कर में इन्हें ये कदम उठा लिया। बुंदेलखंड का महोबा जनपद अपने पिछड़ेपन को लेकर अक्सर चर्चा में रहता है, मगर यहाँ की हस्तशिल्प कला ने महोबा को बड़ी पहचान दे दी है। आगामी 9 सितंबर से दिल्ली में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आ रहे विदेशी राष्ट्र अध्यक्षों को स्मृति चिन्ह के रूप में बुंदेलखंड के महोबा ने
निर्मित पीतल के पुष्प कमल भेंट किए जा रहे हैं, जिन्हें बनाने के लिए शिल्पकार दिन रात जुट रहे हैं और पुष्प कमलों को आखिरी रूप में देने लगा है। दिल्ली में 20 देशों के आने मेहमानों को जनपद में कुल पहाड़ के मेटल आर्टिस्ट मनमोहन सोनी की गड़ी पीतल के पुष्प कमल भेंट किए जाएंगे। ये मेटल क्राफ्ट का है, ये हमें उत्तर प्रदेश सरकार से हस्तशिल्प निगम की तरफ से ऑर्डर मिला है। G20 में 50 कमल के फूल उपलब्ध कराना है। ये हमारे बुंदेलखंड का सौभाग्य है जो हमें ये इस कमल का कमलकृति बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के निवासी हजरत इमाम हुसैन ने हक और इंसानियत की खातिर अपने खानदान और साथियों के साथ कर्बला में शहादत का जाम पी लिया था। इन शहीदों की याद में चहलम पर्व पर बड़े ही एहतराम के साथ मातमी धुनों के साथ ताजिए निकाले गए तो जगह जगह लंगर भी तस्कीम हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ताजिए शहर के विभिन्न मोहल्लों से गुजरते हुए ओदल चौके पहुंचे जहां जलसा हुआ। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखा। जिला कारागार पौड़ी में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। इसके साथ ही श्री कृष्ण का जन्म कंच के बनाए हुए कारागार में हुआ था, जिस कारण जिला कारागार में भी जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान जेल अधीक्षक समेत अन्य स्टाफ भी मौजूद रहे। सितारगंज जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। मंदिरों को दुल्हनों की तरह सजाया गया। नन्हे मुन्ने बच्चे राधा कृष्ण की वेशभूषा में दिखाई दिए। इसके साथ ही मंदिरों में श्री कृष्ण लीला से संबंधित झांकियां लगाई गईं, जिन्हें देखकर मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने पूरे दिन व्रत रखने के बाद रात 12 बजे व्रत खोला। घरों में भी भगवान की पूजा अर्चना की गई। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव गुरुवार को पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही मंदिरों में तैयारियां प्रारंभ कर दी गई थी। वहीं घरों में भी लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालु महिलाओं द्वारा लड्डू गोपाल को झूला झुलाया गया। इसके साथ ही सनातन धर्म मंदिर, दुर्गा ज्योति पीठ मंदिर, मोनी बाबा मंदिर, भूमिया देवी और इन सभी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 1 साल पूरा हो गया है। वही वर्षगांठ पर काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। इस मौके पर कांग्रेस PCC सदस्य मुक्त सिंह वहां पर पहुंचे और उन्होंने BJP को बुरा भला कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि BJP भले ही इंडिया नाम बदलना चाहती है, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता भारत के आसपास में जुड़ने और इंडिया के जीतने पर यकीन करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।